कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो इस वक्त यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे प्रत्याशी अब जनता के बीच और ज्यादा जा रहे हैं और जनता के बीच समर्थन मांगने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जनता उन्हें भारी मतों से विजय बनाए। ऐसे में हमारे संवाददाता कांग्रेस के मेयर पद की प्रत्याशी संगीता जायसवाल के पास पहुंचे। इस दौरान संगीता जायसवाल ने हमारे सहयोगी से क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश भर के अंदर में तमाम निर्दल और पार्टियों के प्रत्याशी अपने जीत के दावे कर रहे हैं। साथ ही प्राइम टीवी अपने खास कार्यक्रम नगर संग्राम को लेकर प्रदेश भर के नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में जाकर प्रत्याशियों की अपेक्षाओं को जान रहा है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो क्या बदलाव ले आएंगे। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी की महापौर प्रत्याशी संगीता जायसवाल हमारे साथ हैं। मैम, प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। हमें ये बताएं कि अगर आपको मौका जनता देती है, लखनऊ नगर निगम के अंदर में आपको महापौर बनाती है, तो आप क्या प्रमुख बदलाव ले आएंगी? सबसे पहले अपनी जनता को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाना चाहूँगी। ये जो गड्ढों में सड़क ढूंढते हुए हम जाते हैं, कहीं जाना होता है तो उन गड्ढों का सुधार होना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वाटर लॉगिंग होती है हमारे गलियों में, गंदगी से और पानी से एकदम नाली बजबजाते लगती है, नाले एकदम उफान पे आ जाते हैं, लोगों का रहना दुभर हो जाता है, मच्छर इतना मुश्किल करते हैं। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत अभियान, आप लगातार स्वच्छता को लेकर बात कर रही हैं, उसकी क्या स्थिति नजर आती है आपको लखनऊ के अंदर? बहुत ही भयंकर स्थिति जो आपको दिखाई नहीं जाती है, और शायद हम चूंकि इन गलियों में रहे हैं हम जानते हैं उनकी यथार्थता क्या है, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है। आपको उधर जिधर समिट्स वगैरह होते हैं उधर तो बहुत बढ़िया लखनऊ दिखता है, उसका जो दिल की धड़कन है उस एरिया में आप आएँ तो देखेंगे कि बहुत ही बुरा हाल है, एकदम बदहाल स्थिति में है लखनऊ इस समय। अगर बात की जाए तो अगर आप चुन के आती हैं तो वो क्या प्रमुख समस्याएं हैं, आपने उस पर बात किया, और आप एक महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं को लेकर सरकार तमाम दावे करती है, इज्जत घर की बात करती है, आवास की बात करती है, राशन कार्ड पर प्रमुखता से महिलाओं को घर का प्रधान बनाया गया है, तो आप महिला होकर लखनऊ में क्या बदलाव ले आएंगे महिलाओं के लिए? देखिए, ज़मीनी स्तर पे काम बिल्कुल नहीं होता है, ऐलान बहुत होते हैं, वादे बहुत होते हैं, लेकिन लोगों को उस तक फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलता है। मेरा सबसे प्रमुख ये रहेगा कि मैं उस लोएस्ट लेवल तक जाके देखूं कि काम वहाँ पर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, जो कि एक सिटी लेवल पे होना चाहिए। महिलाओं का स्वरोजगार से जुड़ना, उनका शिक्षित होना, हम पिंक टॉयलेट्स की बात ये लोग करते हैं, लेकिन खुद मैं प्रत्याशी हूँ, आजकल पूरे 24 घंटे नहीं गए लेकिन 18-20 घंटे तो हम लोग रहते हैं बाहर फील्ड पे। मुझे हर बार घर आना पड़ता है कि मुझे भी जाना है, मुझे पिंक टॉयलेट तो नहीं यूज़ करना है, मैं घर ही जाऊँगी। तो ये हालत है, जब मैं खुद नहीं इस्तेमाल कर सकती तो लोगों से क्या उम्मीद करूं कि साफ़ सफाई वहाँ पे उनको मिलेगा और वो वहाँ जाके इस्तेमाल कर पाऊंगी, तो उनकी स्थिति सुधारना बहुत ज़रूरी है। आप लखनऊ के अलग अलग कोनों में जाकर जनता से बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं नगर निगम स्कूलों को लेकर आप सवाल उठा रही हैं, क्या कहेंगे इस मामले पर? यही स्कूल थे, मैंने किसी एक लेडी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, मैम हम लोग के बच्चे, हमें याद है कि मैं वहीं भेजना चाहती थी, बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, लेकिन स्थिति इतनी बुरी हाल हो गई है कि ना वहाँ बच्चे कोई जाना चाहते हैं। एक तो ऐसा भवन उन्होंने बताया कि एक चार दीवार खड़ी कर दी गई स्कूल के नाम पर और बीच में एक टॉयलेट बना दिया गया है, वहाँ बच्चे पढ़ाई करने जाए या क्या करें क्या कुछ नहीं पता, वहाँ पे टीचर्स होते नहीं हैं तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। जब आपके खुद के नौनिहाल नहीं शिक्षित हो रहे हैं, आगे आपका सिटी, आपका शहर क्या आगे बढ़ाएगा? यही शहर, जब एक एक शहर आगे बढ़ते हैं तो शायद वो देश भी आगे बढ़ता है। अगर बात की जाए तो आप जो लखनऊ की जनता है, नगर निगम की तमाम जनता है, उनसे क्या अपील करेंगे? मैं यही चाहूँगी कि यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि 4 तारीख को अपना मतदान देने के लिए जरूर निकले घरों से, क्योंकि आपके एक एक विश्वास पे हमारा आगे का कदम निर्भर करता है। हमने अगर आज आगाज किया है तो आप भी उसे अंजाम तक पहुँचाइए, एक एक कड़ी हमने रखी है उसको जंजीर बनाइए।
जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ लखनऊ नगर निगम की महापौर की प्रत्याशी संगीता जायसवाल थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लखनऊ को स्वच्छ बनाएंगे अगर जनता मौका देती है, साथ ही साथ हर एक क्षेत्रों में बेहतरी ले आएंगे और स्कूल जो नगर निगम द्वारा संचालित होते हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करके और पुरानी व्यवस्था की जैसे चलाएंगे। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। यूपी में निकाय चुनाव का दौर चल रहा है, सभी राजनीतिक दल इसमें लोकसभा चुनाव का भविष्य तलाश रहे हैं कि वो आखिर किस मुहाने पर खड़े हैं। पार्षद प्रत्याशी लगातार अपना जनसंपर्क अभियान साधे हुए हैं। इस कड़ी में देखिए लाल बहादुर शास्त्री वार्ड संख्या 15 से कांग्रेस से प्रत्याशी मोहम्मद आदल से प्राइम टीवी की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन करने के बाद लगातार वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से जनता को लुभा रहे हैं, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और इस बार वोट के माध्यम से वो प्रत्याशी अपील के माध्यम से वोट के माध्यम से जनता से गुहार लगा रहे हैं कि इस बार उनको जो है चुन के जिताए ताकि वो बदलाव ला सके। इसी बीच हम लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में हैं और जनसंपर्क के बीच ही कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद आदिल हमारे साथ हैं जो जनसंपर्क के दौरान लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपको अगर जनता यहाँ चुनती है तो आप किस प्रकार का विकास करेंगे? सबसे पहले तो मैं बताऊँगा अपने क्षेत्र को सबसे अच्छा स्वच्छ बनाऊँगा और जो विकास जितना हमसे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम करूँगा और अगर जीता तो। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले तमाम पार्षद सभासदों को आपने देखा है, आप यहाँ के नागरिक रह चुके हैं, यहाँ की जो स्थिति है उससे अच्छी तरीके से जानते हैं, कूड़े की जो व्यवस्था है आप उससे अच्छी तरीके से परिचित होंगे और क्या क्या समस्याएं हैं जो यहाँ पे जो स्थिति खराब करती है, लोगों के लिए दिक्कत करती है, इनको आप किस प्रकार से दूर करेंगे? सर मैं देख रहा हूँ लगातार आप तो जा नहीं सकते मेरे साथ, रोडें देख सकते हैं किस तरह के गड्ढे में रोज़ दुर्घटना हो रही है और रोज़ मैं शिकायत करता हूँ पार्षद को, मतलब अभी की बात नहीं पहले से बता रहा हूँ। और सीवर भर रहा है हमारे मोहल्ले में, कोई ध्यान देने वाला नहीं, कूड़ा ऐसे पड़ा है कोई ध्यान देने वाला नहीं है, इस उससे मैं खुद खड़ा हूँ कि मैं जूतूंगा तो अपने वार्ड का बढ़िया से अच्छे से स्वच्छ बनाऊँगा। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आने वाले समय बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में नालियों की समस्या काफ़ी बनी रहती है, तो नालियों की स्थिति क्या है आपके वार्ड में? बहुत बेकार है, पूरी नालियाँ भरी हैं और कई कई दिन कई कई महीनों तो ऐसी कूड़ा उठता तक नहीं है, उसमें भरा रहता है। मतलब हम लोग अभी 10-15 दिन पहले मैंने उस पार्षद को बोला कि इसको सफाई कराइए, तो कम से कम 15 दिन लग गए उसको सफाई कराने में। वार्ड वाले मुझसे कह रहे हैं कि सर इसको कराइए, तो मैंने उसको करा के दिया, अपने निजी उससे करा के दिया। ये बताइए कि जिस प्रकार से ये वार्ड लाल बहादुर शास्त्री वार्ड है, परिसीमन के बाद ये वार्ड चेंज भी हुआ है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रात में जो छुट्टा पशु हैं उनकी समस्या होती है, रोड पे छुट्टा पशु काफ़ी घूमते रहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जीतने के बाद का आप कराएंगे, क्योंकि ये स्थिति जो है खतरनाक बनती जा रही है? जी जी बिल्कुल, वो कराएंगे। अभी देखिए अभी जस्ट अभी 5 मिनट पहले यहीं पर एक्सीडेंट हुआ इसी रोड पर, अभी हम लोग ने उठाया, ये एक लड़का ये है, इसने अभी तुरंत उठाया, अभी हम लोग तुरंत उसको किनारे ले जाके उसको सही करके रखा, तो वो जितना हम लोग से बेहतर होगा उससे बेहतर करेंगे काम। इससे पहले भी चुनाव में तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस वार्ड में छुट्टा पशु की समस्या भी बनी हुई है, गंदगी की समस्या बनी हुई है, कांग्रेस के पार्षद पद के प्रत्याशी यहाँ पे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं किस प्रकार से समस्या यहाँ पे व्याप्त है और किस प्रकार से वो जीतने के बाद इसका निदान करेंगे। बिजली की समस्या जिस प्रकार से बनी हुई है, स्ट्रीट लाइटों की समस्या जिस प्रकार से बनी हुई है, उनका निवारण किस प्रकार से करेंगे, यार अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या क्यों समस्याएँ यहाँ व्याप्त हैं और क्या कुछ योजनाएँ जो है जो सरकार की योजनाएँ यहाँ चलती है उसको किस प्रकार से धरातल स्तर पर आप ले चलेंगे। जो भी योजनाएँ हमारे जो नगर निगम की उसमें आएंगी हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, जितना भी उसमें नगर निगम में जो मेरे चुनाव के उसमें आता है वो सब हम करेंगे। मेरा मतलब कि जैसे कि नगर निगम की जितनी भी समस्या का जो भी निकाय चुनाव से है संबंधित वो सब हम काम करेंगे अगर हम होते हैं तो। आप जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता कैसा रिस्पॉन्स आपको कर रही है? जनता अच्छा रिस्पॉन्स कर रही, जनता ये भी बोली कि आप शांति से कर रहे हैं और बहुत मतलब जैसे कि लोग करते हैं ज़्यादा लोग को ले जाके, हम 3-4 लोग कहते हैं कि हमको देखिए किसी का वो नहीं, आप हमको अगर बनाते हैं तो हम आपके वार्ड में काम करेंगे, विकास करेंगे और बाकी आपकी मर्जी। प्राइम टीवी के माध्यम से आज अपनी क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि अपना अच्छा और निजी और अपना जो है नेता नहीं बेटा चुने, पार्षद के रूप में बेटा चुने।
बस ये कहना चाहता हूँ। तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री वार्ड नंबर 15 से मोहम्मद आदिल, जो कांग्रेस से प्रत्याशी है। उन्होंने साफ तौर पर अपील करते हुए क्षेत्र की जनता से कहा है कि आप अपना पार्षद नहीं बल्कि अपना बेटा चुन रहे हैं। इस क्षेत्र में तमाम तरह की समस्याओं को उन्होंने जिक्र किया और जीतने के बाद उनके निस्तारण की भी बात की। लखनऊ से विजय के साथ विवेक शाही, प्राइम टीवी। निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों ने और ज्यादा गर्मजोशी दिखाते हुए जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है और उनका समर्थन मांगने की भी जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्राइम टीवी की टीम भी लखनऊ के इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड पहुंची, जहां हमारी मुलाकात निर्दलीय प्रत्याशी रेखा यादव के पति और उनके जनप्रतिनिधि अशोक यादव से हुई है, जहां हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। प्राइम टीवी की टीम प्रदेश भर के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में जाकर अब प्रत्याशियों से जायजा ले रही है कि वो अगर चुनाव में जीतते हैं तो किन मुद्दों पे काम करते हुए नजर आएंगे। इसी क्रम में नगर संग्राम कार्यक्रम में इस्माइलगंज द्वितीय में हम पहुंचे हुए हैं, जहाँ रेखा यादव निर्दल प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। उनके पति अशोक यादव हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही रेखा यादव और अशोक यादव क्षेत्र भर में जाकर और जनता से अपील कर रहे हैं कि हमें वोट दें और तमाम वादों को करते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक यादव से हम सीधा बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले प्राइम टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आप प्राइम टीवी हमारे क्षेत्र वार्ड में आई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ, इसके लिए स्वागत है आपका। अच्छा अशोक जी, अगर बात की जाए तो आप लगातार इस क्षेत्र में रहे हैं और काम कर रहे हैं, जनता के बीच अब जा रहे हैं, अब चुनावी मैदान में हैं, आपकी पत्नी, आप प्रतिनिधि के तौर पर वो और आप दोनों जा रहे हैं, क्या समस्याएं प्रमुख नज़र आ रही हैं? हम इस वार्ड में काफ़ी समय से लगे हुए हैं, जनता की समस्याएं बहुत हैं, मतलब कि रोड की समस्या, जाम की समस्या, जल निकासी की समस्या, सीवर की समस्या और फॉगिंग की समस्या, आवारा पशुओं की समस्याएं निरंतर बनी हुई हैं। इन समस्याओं को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव इसको, और ये समस्याएं जो हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है हमारे जो क्षेत्र जुड़ा है नया वार्ड ग्राम सभा से, गणेशपुर, तिवारीगंज, इसमें जल निकासी की समस्या बहुत है। कमता में कल्याणी बिहार जो है उसमें भी अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, खड़ंजा तो छोड़ दीजिए, मिट्टी का भी काम नहीं हुआ, ऊपर नीचे रोडें बनी हुई है, जब जल भराव होता है, बारिश होती है तो बीमारियां, वहां के बच्चों को निकलने, जन सुविधा को असुविधाएँ बहुत पैदा होती हैं। अगर बात की जाए तो अगर आप पे जनता विश्वास जताती है तो किन प्रमुख मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करेंगे? जनता विश्वास हमको जताती है, सबसे पहले मुद्दा होगा पूरे वार्ड में जल निकासी का, जल निकासी का, जल भराव अगर नहीं होगा तो बीमारियों का कम होगी। उसके बाद बिजली है, लाइट है और रोडें हैं, सड़कें हैं, शौचालय हैं, और जो आपका मलेरिया होती है, फॉगिंग की जरूरत पड़ेगी जी, उसको बिल्कुल, क्योंकि लखनऊ के अंदर में डेंगू फैला था और लखनऊ की नगर निगम ने हर एक जगह फॉगिंग करवाई थी। अगर ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, कहीं कहीं शिकायत भी आई थी, तो उस वक्त अगर ऐसी समस्या फिर आती तो आप क्या करेंगे? हम स्वयं वहाँ उस क्षेत्र में जाके फॉगिंग करवाएंगे, क्योंकि अन्य पार्षद जो होते हैं वो फॉगिंग नहीं करवाते हैं, अलग अलग अपने विशेष जगहों पर करवाते हैं, जहाँ आवश्यकता गंदगी होती, जहाँ पे ज़रूरत होती, जहाँ बीमार होते हैं वहाँ पे फॉगिंग नहीं, हम स्वयं खड़े होकर फॉगिंग करवाएंगे वहाँ पे। अच्छा, अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से आवास योजना चल रहा है, साथ ही साथ इज्जत घर शौचालय योजना चल रहा है, तमाम नगर विकास की भी योजनाएँ चल रही हैं, कितना ज़मीन पर धरातल पर उतरते हुए नजर आती हैं? सरकार की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी की जो भी योजनाएं हैं वो हम जीतने के बाद उसको धरातल पे लाएंगे, जैसे शौचालय का, आवास का, विधवा पेंशन का, राशन का, अन्य बहुत योजनाएं हैं, उसको जनता तक मैं पहुंचाऊंगा। आने वाले 4 तारीख को मतदान होना है, इसमें लखनऊ में भी होगा, अगर बात की जाए तो आप अपने इस्माइलगंज द्वितीय की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा, गुलाब वाले सामने पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताएं। अगर बात की जाए तो महिलाओं को लेकर तमाम समस्याएं हैं शौचालय और इस क्षेत्र में, तो उनसे आप कैसे उनको निजात दिलाएंगे? उसके प्रशासन से हम लोग लड़ेंगे, प्रशासन के बीच में जाएंगे, DM हैं,
जोनल अधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, उनकी समस्या को लेकर जाएंगे क्षेत्र के, उनसे निस्तारण करवाएंगे, नहीं करेंगे तो धरना देंगे, जनता के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। अशोक जी, अगर बात की जाए तो मटिहारी क्षेत्र में एक ग्रामीण परिवेश के भी लोग रहते हैं, यहाँ पे कई मोहल्ले ऐसे भी हैं जहाँ पर गलियां हैं और वहाँ से कूड़े नहीं उठ पाते हैं, वहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं और स्वास्थ्य की समस्या वहाँ कहीं ना कहीं प्रमुख है, तो ऐसे में आप क्या बदलाव ले आएंगे? हमारे कॉलोनियों में, हमारी गलियों में बहुत सारे खाली प्लाट पड़े हुए हैं जिसमें मोहल्ले के लोग वहाँ पे अपने कूड़ा डालते हैं, नगर निगम द्वारा कूड़ा नहीं उठता है। उसके लिए हम लोग करेंगे, जब हम जीत के आएंगे तो वहाँ पे एक यार्ड छोटा सा नगर निगम के द्वारा डस्टबिन लगवाएंगे, जिससे गली गली में हर मोहल्ले में कूड़े की और जो समस्या है वो निजात मिल सके। स्वच्छता को लेकर अगर देखा जाए तो आपके वार्ड में स्वच्छता को लेकर साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं जिसे आप आने पर उसमें दुरुस्त करेंगे? अभी तो कोई व्यवस्था ऐसी नहीं दिख रही है। तो व्यवस्थाएं क्या हैं, तर जब आप जीत के आएंगे तो पावर आपके पास होगा। सब स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज़्यादा जो मलेरिया होता है, डेंगू हो जाता है, फॉगिंग की जो व्यवस्था है वो सबसे प्राथमिकता है। फॉगिंग गली गली, मतलब कि गांव-गांव में सब कहीं जाएगी, सफाई भी कराई जाएगी। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये, हमारे वार्ड में बहुत बड़ी समस्या ये है कि सामुदायिक केंद्र नहीं है, ज़मीनें बिक गई हैं, लोग गरीब लोगों के शादी करने के लिए पैसे उतने नहीं होते जो वो सर्वाइव कर पाएँ, उसके लिए काफ़ी ज़मीनें भूमाफियों के द्वारा बेच दी गई है। और जो ज़मीनें पड़ी हैं मैं उनको मुक्त करा के वहाँ सामुदायिक केंद्र बनाऊँगा, हर क्षेत्र में सामुदायिक केंद्र बनाऊँगा, ये भी मेरा कार्य करना है, इसमें प्राथमिकता रहेगी मेरी। तो हमारे साथ इस्माइलगंज द्वितीय के निर्दल प्रत्याशी रेखा यादव के पति अशोक यादव थे, जो कि प्रतिनिधि के तौर पर उनके साथ काम कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं उससे पहले निजात दिलाएंगे, साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारेंगे और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे अगर जनता चुन के हमें भेजती है। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।